हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप लोगों का। मैं इस वीडियो में आज आपसे कुछ भी टेक्निकल बात नहीं करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं फॉर द अमेजिंग रिस्पांस, फॉर द अमेजिंग फीडबैक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को दिया है, हमारे रिविजन वीडियोस को दिया है। बस इसी तरह हमें प्यार करते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, तो आपको इमीडिएट रियल टाइम बेसिस पे हम फीडबैक दे सकेंगे। रियल टाइम बेसिस पे हम आपको वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करके सेंड कर सकेंगे। पिछले दो महीना में हमारे यूट्यूब चैनल में लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आज इस वीडियो में आपको एक रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर आईपीसीसी टैक्सेशन एग्जाम, जो आपका 9 नवंबर 2017 को है। सर, ये दिन को कौन भूल सकता है। इसके एक दिन पहले 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था डीमोनेटाइजेशन के बारे में। बट डोंट वरी, इस बार आईसीए आपको जो टैक्स का पेपर देने वाला है फॉर नवंबर 17 एग्जाम, वो बहुत बहुत एज यूजुअल बेसिक स्टैंडर्ड का रहेगा। मैं आपको एक, इस वीडियो के स्टार्ट होने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की, जैसा भी पढ़ाई किया, मान लो एवरेज भी पढ़ाई की, इट डजेंट मैटर। लेट मी टेल यू, डजेंट मैटर। जो मैटर करता है, ये डेढ़ दिन मैटर करता है जो आपके सामने है। 1.5 days from 7th November evening, that is 6 p.m. to 9th November 12 p.m. लगभग एग्जाम के दो घंटा पहले, ये जो आपको टाइम मिलता है गाइज, यही जो है, यही मैटर करता है कि आप एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंटेशन, किस तरीके से मार्क्स फेच कर सकते हो। आपको एक एक टाइम, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा काउंट कराना है, एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आप इसे पहले से प्लानिंग कर ले। और यही प्लान मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको आपके एग्जाम के डेढ़ दिन पहले जो आपको टाइम मिलता है एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, उसको आपको कैसे यूटिलाइज करनी है। यू नीड टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट इन दैट, एंड वो चीज पहले से सोचा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस पर प्रॉपर इम्पैक्ट करेंगे। मैं आप ऑलरेडी, आपके लिए रिवीजन प्लान ऑलरेडी आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आप इस यूट्यूब चैनल के थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर ध्यान से देखें। लगभग मुझे 5 to 10 minutes लगेगा आपको पूरा रिवीजन स्ट्रैटेजी बताने के लिए, ताकि आपके दिमाग में एक प्रॉपर आइडिया बैठ जाए कि आपको वो डेढ़ दिन किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो आई प्रेज्यूम आई विल स्टार्ट फ्रॉम 7th November, जो जब आप कॉस्ट एफएम का एग्जाम देकर आओगे, तो लगभग 5 बजे आपका पेपर खत्म होगा। 7 तारीख को नवंबर 2017 को आपका पेपर खत्म होगा। आप 5 बजे तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। लगभग मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 6 बजे तक घर पहुँचोगे। शाम को 6 बजे के आप बहुत तरह से टायर्ड हो जाओगे, आप कुछ स्नैक्स खाओगे, व्हाटएवर फूड एंड ऑल यू विल टेक, व्हाटएवर ड्रिंक्स, व्हाटएवर बेवरेजेस, टी कॉफी, आप कुछ भी लोगे, आप थोड़ा रेस्ट करोगे। आपको लगभग 7 नहीं तो 7:30 बजे तक, मैं टेंटेटिव टाइम आपको बता दिया हूँ, 7:30 PM तक आपको स्टडी करने बैठ जाना है फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बिकॉज टैक्स एक ऐसा पेपर है गाइस, जो डेढ़ दिन में रिवाइज करना, बोथ डीटी, बोथ इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैं आपको एक एक टाइम बहुत ही धीमा तरीके से चलूंगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत समझ में आए। 7 to 7:30 PM को आप स्टार्ट करोगे, दिस इज डे वन। मैं मान रहा हूँ 7 नवंबर 2017 को, इस दिन को आप शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे तक रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, एंड आप 12 बजे रात को प्लीज रिविजन बंद कर दोगे। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स रात को 3, 4, 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक वो पढ़ते हैं नेक्स्ट दिन, जिसके कारण उनका जो डे टू है, विच इज इन दिस केस 8th of November, उनका पूरा खराब हो जाता है। दैट इज द डेवस्टेशन, दैट इज द प्रॉब्लम विच दे हैव ऑलरेडी डन बिफोर द एग्जाम। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मत करिएगा। आपको 12 बजे तक लास्ट आप पढ़ोगे, इसके बाद आपको सो जाना। याद रखिएगा, 6 hours ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी कंपल्सरी। अगर आप 6 नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटा आपको सोना पड़ेगा, बिकॉज अगला दिन जो होने वाला है बहुत ही क्रूशल होने वाला है, आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आपका थोड़ा सा भी हेल्थ साथ नहीं दिया, तो इट कैन हैव अ ग्रेट ग्रेट इंपैक्ट ऑन योर रिजल्ट। चाहे आप, नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट कि आप पहले
छः महीना, सात महीना, आठ महीना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, डजेंट मैटर अ लॉट गाइज, इट मैटर्स कि आप वो 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करते हो। तो मैं आपको एक टेंटेटिव प्लान बता रहा हूँ कि आप 7 से 7:30 बजे तक बैठ जाइएगा पढ़ने और 12 बजे तक आपको कंप्लीट करना है सर्विस टैक्स। यस सर, आप स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, आप डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं, इनकम टैक्स इज वेरी लेंदी एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको सर्विस टैक्स से शुरू करना है। सर्विस टैक्स का रफली एग्जाम में वेटेज होता है 30 से 32 मार्क्स। सर आपको एक तरीके से मारवाड़ी बुद्धि लगानी है, बनिया बुद्धि लगानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इनपुट देके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। इसका मतलब अगर आपका सर्विस टैक्स पहला दिन ही बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया तो देखिए आप 30% ऑलरेडी एग्जाम का कवरेज कर चुके हो। एक्सक्यूज मी, तो 30% 30 से 32 मार्क्स आपको सर्विस टैक्स का रिवाइज करना है उसी डे वन में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, माइंड इट। अब आपको किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम इस वीडियो के पहले, आप ऑलरेडी वीडियो रिलीज हो चुकी है जहाँ पे मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया था, मैं उसी सीक्वेंस में चलूँगा, मैं उसी वे में चलूँगा और मैं एक एक चैप्टर के सामने आपको कितना कितना घंटा अलॉटेड है आपको उसी चैप्टर के हिसाब से, उसी घंटा के हिसाब से चलना चाहिए, माइंड इट। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रिवीजन के दौरान अगर आपको लग रहा है कि आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो प्लीज़ उसे ना करें, बिकॉज अगर आप एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए तो बाकी सब चैप्टर्स में कमती टाइम आपको मिलेगा एंड बिकॉज ऑफ विच आपका रिविजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंडली जो आपको मैं आपको बतानी है कि डोंट माइंड इट, डोंट टेक इन टू ईगो, अगर आपसे कोई चैप्टर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दे, बिकॉज टैक्स में एट IPCC लेवल इट इज हैज बीन सीन कि इंस्टीट्यूट का कवरेज ऑलमोस्ट सब चैप्टर से रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लिए तो दूसरा तीसरा, एक चैप्टर बहुत गंदा तरीके से आपका हुआ है तो दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा। अगर आप कोई चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत कमती आपको आता है तो प्लीज उसे ना करे, उसे छोड़ दे। अभी ये 1.5 दिन अपने को वो सारे चैप्टर्स पे इन्वेस्ट करनी है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है एंड लगभग 90% ऑफ द चैप्टर्स इट शुड बी लाइक दैट। 10% यस, यू कैन हैव अ लीवे एज अ एडिटर, आई विल नेवर रिकमेंड यू कि आपको 100, आपको हमेशा 100% कवर करना चाहिए, बट अगर आप 10% में लैक कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट करिए 90% में, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मोटिवेशन मिलेगा। आपको IDT से चालू करना है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में आप सबसे पहले खत्म कर सकते हो एग्जेम्पशंस और नेगेटिव लिस्ट। एग्जेम्पशंस में जितनी भी सर्विसेज है उसको एक बार रीड करेंगे, नेगेटिव लिस्ट में जितने भी सर्विसेज उसको रीड करेंगे, बिकॉज एग्जेम्पशंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्विस टैक्स। दिस टाइम जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है। लगभग 1.5 घंटा आपको लग जाएगा इस रिवाइज करने में, 1.5 घंटा से बेसी का काम नहीं है दो चैप्टर मिला के। देन कम्स माई रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में लगभग 1/2 घंटा लगेगा। रिवर्स चार्ज में जितनी सर्विसेज है जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, कितना परसेंटेज एप्लीकेबल होता है, आपको वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा आता है अबेटमेंट, वो भी आपको लगभग 1/2 घंटा लगेगा। देन कम्स योर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स, वो भी लगभग 1/2 से 1.25 घंटा, 30 to 45 मिनट्स का काम नहीं है। देन कम्स योर वैल्यूएशन ऑफ सर्विस। वैल्यूएशन ऑफ सर्विस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर बार इंस्टीट्यूट 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन फ्लैट पूछता है, विच इज कनेक्टेड विथ योर एग्जेम्पशंस, रिवर्स चार्ज एंड वैल्यूएशन ऑफ सर्विस। ये तीनों चैप्टर एकदम आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैंने आपको बोला वैल्यूएशन। वैल्यूएशन भी लगभग 1/2 घंटा लगेगा, 1/2 से मैक्सिमम 45 मिनट्स। देन कम्स अगर आपका जो छोटा छोटा चैप्टर आपको याद होगा, रिटर्न्स, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, प्लस और भी अगर कोई चैप्टर है जिसमें प्रोसीडर वाइज आपको रिमेंबर करना है कि किस तरह के सर्विस टैक्स पेमेंट होता है एंड ऑल वगैरह वगैरह, उसमें लगभग आपको 1 घंटा लगेगा। एंड अगर कुछ बच गया है सर्विस टैक्स में, मतलब इसको छोड़ के मैंने अदर देन 6 टॉपिक्स में एक लेफ्ट ओवर्स का कॉलम दिया है, उसमें आपको लगभग 1/2 घंटा में रैपअप करके आपको 4.5 घंटा में गाइज रफली सर्विस टैक्स का रिविजन उसी दिन खत्म करना पड़ेगा। इससे बहुत फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप रात को 7 तारीख को आराम से चैन की नींद सो पाओगे। आई होप इट इज क्लियर। आपको अगर इसमें थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप से एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो, बट लगभग आप देखिएगा आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही लग जाएगा हर एक चैप्टर में। बट माइंड इट, अगर आप रात को 12 बजे तक सर्विस टैक्स नहीं भी खत्म कर पाते हो तो डोंट टेक टेंशन, मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे तक प्लीज ट्राई टू स्लीप, बिकॉज 12 बजे के बाद अगर आप डिले करते हो तो कल की सुबह आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको
लगभग इसमें अगर आप देखोगे, मैंने आपको डिनर टाइम भी सेफ गार्ड दिया है आधा घंटा, 7 से 12 बजे के बीच में जो आपका टाइम होगा दैट इज 5 आवर्स, 4.5 आवर्स इस टोटल चैप्टर्स को रिवाइज करने में लगेगा और आधा घंटा मैंने आपको डिनर टाइम का बफर दिया है। मैं अज्यूम करता हूँ कि 6 बजे जब आप आओगे आप 1 घंटा ऑलरेडी स्नैक्स का टाइम प्लस रेस्ट टाइम ले लोगे। आप प्लीज़ इधर उधर का चिट चैट मत करिएगा, कॉस्ट एफएम का पेपर डिस्कस मत करिएगा, अगर पेपर डिस्कस किए तो बहुत बड़ा इश्यूज हो सकता है गाइस। ओके, नाउ कम डे 2। डे 2 आपको शुरुआत करनी है 7 AM से। 7 AM को यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, इसका मतलब आपको रफली 6 से 6:30 के बीच में उठना है। हाफ एन आवर आपको लफली लगेगा आपका ब्रेकफास्ट प्लस योर बेथिंग टाइम प्लस ब्रशिंग टाइम, एवरीथिंग आपको लगना चाहिए 30 to 45 minutes। यू हैव टू स्टार्ट स्टडी ऑन द सेकेंड डे, दैट इज डे 2, 8th November 2017 at 7 AM शार्प। 7 AM से 1 PM का मैंने आपको एक स्लॉट दिया है, उस स्लॉट में आप अदर IDD टॉपिक्स को उठाओगे। इसमें डोंट वरी, अगर आपका पिछले रात को यानी जब आप जिस दिन आप आए थे उस समय अगर आपका सर्विस टैक्स खत्म नहीं हुआ है, मैंने 1 घंटा आपके लिए एलोकेट किया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 से 8 के बीच में। लेकिन गाइज ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप रात को 12 बजे सो जाओगे, प्लीज़ उठ जाएगा 6:15 तक, वरना आप सोए रह जाओगे। और अगर आप सोए रह जाओगे तो बस गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी आई है फिर वो 6 महीना बाद फिर से गाड़ी आएगी। मैं नहीं चाहता आप लोग ये गलती करें, प्लीज़ ये गलती कॉमनली सब स्टूडेंट्स करते हैं तो आप भी ये गलती प्लीज़ मत करिएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है सर। लेफ्ट ओवर्स के लिए मैंने आपको 1 घंटा दिया लगभग। देन यू विल स्टार्ट विद वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स यू कैन जस्ट सी द सम्स, यू कैन सी द टॉपिक्स, यू कैन रिवाइज द कंसेप्ट्स, यू कैन सी द माय रिवीजन चार्ट व्हिच इज ऑलरेडी अपलोडेड इन फेसबुक एडिटर्स का पेज प्लस यूट्यूब चैनल माई नेम निकुंज गोएंका। आप ऑलरेडी वैट उससे रिवाइज कर सकते हो, लगभग लगभग आपको 45 मिनट्स लगना चाहिए वैट रिवाइज करने में। देन यू विल स्टार्ट विथ सेंट्रल सेल्स टैक्स, लगभग 1 घंटा लगना चाहिए। देन कस्टम ड्यूटी भी 1 घंटा में कवर हो जाना चाहिए। सेनवैट क्रेडिट रूल्स लगभग 45 मिनट्स से 1 घंटा का काम है। और एक्साइज ड्यूटी इज द लास्ट टॉपिक, अगर आपको करने का मन है तो करिएगा। लेकिन 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 मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक्साइज ड्यूटी नहीं छुए, आप एकदम नहीं छुए, तो प्लीज एक्साइज ड्यूटी को मत पकड़िए, बिकॉज इससे 4 to 5 marks के बेसिक का नहीं आते। और अब एक्साइज ड्यूटी है नहीं लॉ में बट आपके सिलेबस में है, एज पर इंडियन लॉज वो हट चुकी है, बट डेफिनेटली क्योंकि ICAI ने नहीं हटाया आपके एग्जाम में आएगा। बट डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ अगर आपका एक्साइज एकदम नहीं छुआ हुआ है, 1% नहीं छुआ है, तो प्लीज़ आपको एग्जाम के पहले मत देखिएगा, आप डर जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार देख चुके हो तो प्लीज़ आधा घंटा लगेगा, जस्ट गो थ्रू इट, नेवर लीव एनी चैप्टर, बिकॉज एग्जाम में कब कैसे क्या आ जाए वी डोंट नो गाइज। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस एंड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। लगभग अगर आप देखेंगे आपको 5 घंटा लगा इस सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। इसका कवरेज बेसिकली आप समझ सकते हो लगभग 20 मार्क्स का कवरेज है इस पर्टिकुलर पोर्शन से। तो सर्विस टैक्स का 30 मार्क्स मैंने माना और 20 मार्क्स मैंने आपको बोल दिया अदर IDT टॉपिक्स में, VAT, CST, कस्टम्स, ये सब आ गया। इसमें आप 7 से 1 बजे का मैंने आपको टाइम दिया विच कम्स टू लगभग 5 आवर्स। 5 आवर्स जब आपका 1 बज गया तो 1 से 2 मैंने आपको लंच टाइम दिया है। अब 1 PM टू 2 PM के बीच में आपकी लंच टाइम भी हो गई, प्लस आपका जो भी रेस्ट करना है या जो भी लाइट म्यूजिक सुननी है, आप आराम से इस 1 घंटा को यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने उसका भी आपको लीवे दिया है। ठीक है ना, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अब आप शांति से विराम करें, आपका 1 से 2 बजे का टाइम खत्म हो चुका है। अब हमने स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट 50 मार्क्स, दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका समय स्टार्ट होता है फ्रॉम 2 PM और खत्म होता है उस दिन का स्लॉट 2 एट 12 AM। यानी मैंने आपको दोपहर 2 से रात का 12 के बीच में टाइम बोला है 10 घंटा। अब इस 10 घंटा को किस किस तरीके से यूटिलाइज करनी है, मैंने इसका ब्लॉक बना दिया है। अब ब्लॉक वाइज चैप्टर उठाएंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन ब्लॉक मेथड पे लगता है, वैसे रिविजन भी आप ब्लॉक मेथड पे करेंगे, ब्लॉक ऑफ चैप्टर्स मेथड। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, ब्लॉक ऑफ चैप्टर्स मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं 2 बजे। 2 बजे से 12 बजे के बीच में मैं आपको 5 to 6 blocks बोलूंगा। आपको जो ब्लॉक पहले पकड़ना पकड़ सकते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, देर इज नो सीक्वेंस आई एम सजेस्टिंग इन द इनकम टैक्स रिविजन। आपको जो ब्लॉक पर समझना है, आपको जो ब्लॉक पहले पकड़ना पकड़ सकते हो, बट ये डेफिनेटली मैं आपको एक ब्लॉक बता के चलूंगा, आपको वो ब्लॉक फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं, बाकी यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, पहला ब्लॉक है हमारा 3 चैप्टर्स का, जिसका नाम है
रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरीज, ये तीन चैप्टर का एक ब्लॉक बनता है. ये तीनों के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये तीनों एक इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, बहुत ईजी चैप्टर्स है. ये तीनों चैप्टर आपका मिला के खत्म हो जाना चाहिए विद इन 2.5 आवर्स, यानी अगर आप 2 बजे चालू करते हो तो रफली 4:30 बजे तक आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरीज. हाउस रेसिडेंशियल स्टेटस में आधा घंटा से बेसी का काम नहीं है, सैलरीज और HP एक एक घंटा मैक्सिमम, आई थिंक ये भी मैंने आपको ज्यादा में ही बोला है. तो 2.5 घंटा अगर आप ब्लॉक वन में दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशियंट. अगर इससे बेसी लग रहा है तो प्लीज हार मान लीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको बाकी आपका अल्टीमेटली फोकस होना चाहिए, आपको मैक्सिमम चैप्टर्स रिविजन करना है विद एफिशियंट मैनर. लेकिन जहाँ एफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, प्लीज गिव इट अ स्टॉप, प्लीज गिव इट अ स्टॉप, प्लीज गिव अ हॉल्ट, और एफिशियंटली आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना पड़ेगा. देन कम्स माई ब्लॉक टू. ब्लॉक टू में 2 चैप्टर आता है, विच इज कैप गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये दोनों आपसी बहुत मिलते हैं, दोनों के बीच में इंटररिलेटेड सम्स आता है. मैंने इसको मैक्सिमम 2 आवर्स दिया, 2 आवर्स से बेसी का काम नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन से हर बार 8 मार्क्स का सम आता है, 6 से 8 मार्क्स का सम आता है, इसलिए मैंने उसको इंडिपेंडेंट रखा है और आईफोस के साथ मिला दिया है. आईफोस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में याद रखिएगा 56-7 वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे एग्जाम में बहुत बार आता है, उसको प्लीज अच्छे से करिएगा. दिस इज माई ब्लॉक टू. नाउ कम्स माई ब्लॉक थ्री. ब्लॉक थ्री में आपका जो चैप्टर्स है वो ये है, रिटर्न ऑफ इनकम, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. इसमें भी मैंने आपको रफली 2.5 घंटा दिया है. 2.5 घंटा में आपका रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर 6 है. रिटर्न ऑफ इनकम इज मैक्सिमम हाफ एन आवर का चैप्टर. चैप्टर 6 में लगभग आपको 1 से 1.25 घंटा लग सकता है, एंड कैरी फॉरवर्ड अगेन इज अ 1/2 घंटा का चैप्टर. तो लगभग अगर आप देखेंगे ये दोनों मिला के आपका 1 घंटा हो गया, और ये 2 घंटा हो, एक घंटा और हो गया, तो 2 घंटा लगभग आपके पास 1/2 घंटा और बचा है. आप इसको जैसे तरीके से मैनेज करें मैं आप कर लीजिएगा. इसलिए मैंने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, ताकि अगर मान लीजिए एक चैप्टर में आपको ज़्यादा टाइम लगा है तो आप दूसरा चैप्टर में कमती टाइम लेके उसको ऑफसेट कर सकते हो. देन कम्स माई फोर्थ ब्लॉक, विच इज TDS, एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम. इसमें मैंने आपको 3 घंटा एलोकेट किया है, क्योंकि TDS लगभग आपको 1.5 घंटा लग सकता है इस चैप्टर में, बिकॉज काफ़ी सेक्शन है, काफ़ी लिमिट्स है. एडवांस टैक्स इंटरेस्ट में 1/2 घंटा से बेसी का काम नहीं है. क्लबिंग ऑफ इनकम और एग्रीकल्चर में सब 1/2 घंटा का चैप्टर है. आप इससे इस मेथड से ये तो आप गारंटीड श्योर हो गए होगा आई थिंक कि आपका सारा चैप्टर टच्ड हो गया. आपने प्रॉपरली टाइम प्लानिंग करके सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया. ये लगभग आपका 10 घंटा का ब्रेकअप आ चुका है. 3 घंटा ब्लॉक 4, 2.5 घंटा ब्लॉक 3, 2 घंटा ब्लॉक 2 एंड 2.5 आवर्स ब्लॉक 1. तो लगभग 2 से रात का 12 बजे तक का टाइम आपका यूटिलाइज हो गया है. इसमें ही आपका डिनर विनर आप कैसे भी मैनेज करके कर लीजिएगा, बट इंश्योर करिएगा कि इतना चैप्टर्स आप 12 बजे तक कर लिए हो. बट डोंट वरी, अभी भी आपका मैंने 1 घंटा का, और मान लीजिए 1 घंटा आप पीछे चल रहे हो, तो प्लीज़ अगेन गोज विदाउट सेइंग आप 12 बजे को प्लीज़ सो जाइएगा. आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको 6-6:30 के बीच में उठना पड़ेगा, ताकि आप 7 बजे से फिर से अपना दिन शुरू कर पाओ. तो डे 2 भी अपना इनकम टैक्स का, अगर आप देखे होंगे वी हैव कम्प्लीटेड ऑल चैप्टर्स अदर देन द मास्टर ब्लास्टर जिसका नाम है PGBP. PGBP जनरली स्टूडेंट्स पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत वॉल्यूम में उनको लगता है बहुत कवरेज आता है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दूं, रफली 10 मार्क्स से बेसी या 10-12 मार्क्स से बेसी PGBP नहीं आता कोई भी टर्म में. क्योंकि देखिए, एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है हार्डवर्क. अभी 1.5 दिन में आपको स्मार्ट स्टडी करना है. छोटे 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 चैप्टर जहाँ से इंस्टीट्यूट ज़्यादा पूछता है आपको वो कवर करना है, और जो बहुत ज़्यादा कवर टाइम लगेगा उसको अपने लास्ट में के लिए रखेंगे. अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिएगा आपके थिंकिंग पर, आपके मेमोरी पर, आपके सर पर, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, या अगर आप खुद भी पढ़े तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखिएगा और प्लीज़ आगे बढ़िएगा कॉन्फिडेंस के साथ. ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डे 3. डे 2 खत्म 12 बजे. आप डे 3 मॉर्निंग 6:15 तक रेडी हो जाओगे, 6:15 तक उठ के 7 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाओगे. आपको 7 से 12 ही पढ़ना है. 12 बजे के बाद आपको बुक क्लोज कर देना है. यू हैव डे 3 5 आवर्स. ये हो गया आपका 9th नवंबर, दैट इज द एक्चुअल एग्जाम डे, जिसको अपने बोल सकते हैं डूम्स डे, जिसको अपने बोल सकते हैं डूम्स डे. तो 9th नवंबर को आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन. 9th नवंबर आप PGBP को 3 घंटा देंगे, उससे बेसी नहीं देंगे. अगर उससे बेसी लग रहा है तो हार मान लीजिएगा, बस जितना 3 घंटा में होता है उतना कर लीजिएगा. और लास्ट में गाइज, इसको नहीं भूले, अमेंडमेंट्स बोथ डायरेक्ट इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स स्पेसिफिकली ओवरऑल. आपने एक बार अमेंडमेंट्स तो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में कर ही लिया है, बट आपको लास्ट में एक बार अमेंडमेंट्स के लिए स्पेसिफिक 2 आवर्स देनी चाहिए. बिकॉज एज आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग
कि टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स हर टर्म में रफली 20 से 25 मार्क्स आएगा, गोज विदाउट सेइंग. तो आपके लिए अगर आप अमेंडमेंट्स जस्ट एग्जाम के पहले पढ़ेंगे तो आपके वो चीज़ माइंड में फ्रेश रहेगा, अकॉर्डिंगली आप एग्जाम में बेटर प्रेजेंटेशन के साथ बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. इट्स नथिंग बट जस्ट यू नो एक चीज़ों का फ़ायदा उठाना. तो इस तरीके से करना चाहिए कि आप लास्ट में उस चीज़ को पढ़िए तो आपको एग्ज़ाम में बेटर रिटेन रहेगा. तो लगभग 2 घंटा मैंने आपको अमेंडमेंट्स के लिए दिया है, बोर्ड इनकम टैक्स के लिए एंड IDT के लिए. इसको प्लीज़ ज़रूर 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 अमेंडमेंट्स को अच्छे से आप रिवाइज़ कर लें. मैंने ऑलरेडी चार्ट्स अपलोड कर लिए, मेरा उसका वीडियोज़ भी, आप प्लीज़ उसको भी देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, या आप रिविजन चार्ट्स को भी रेफ़र कर सकते हैं. और एक चीज़, मैंने आपको जितने भी रिविजन चार्ट्स दिए गाइज वो इस दिन के लिए ही मैंने दिया था. इस दिन आपको वो चार्ट्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि एक एक चार्ट से आपको कितना अच्छे से रिविजन हो पाता है जल्दी से. सो दैट्स इट. लगभग 5 घंटा आप डे 2 स्पेंड, डे 3 स्पेंड कर चुके हो. 12 बजे के बाद अगर आप बुक खोलते हो तो आप अपने दिमाग के साथ अनजस्टिस कर रहे हो. आपका माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए ताकि वो चीज़ों को रिकॉल कर पाए फ्रॉम 2 PM to 5 PM. सो दैट्स इट, एंड ऑफ द रिविजन स्ट्रैटेजी डे 3. आपका सारा का सारा पोर्शंस कवर हो गया है. डे 1 स्टार्ट किए थे अपने IDT सर्विस टैक्स से जब रात को 12 बजे का, फिर डे 2 स्टार्ट किए सुबह सुबह सारा IDT टॉपिक्स खत्म किए. सेकेंड हाफ 2 बजे के बाद वी स्टार्टेड इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का PGPP छोड़ के सारा चैप्टर्स अपने रात को 12 बजे तक ब्लॉक वाइज में चले, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4. एंड देन नेक्स्ट लास्ट डे अपने PGPP खतरनाक ब्लॉक, ब्लॉक 4 को कंप्लीट किए और उसके बाद अमेंडमेंट्स को भी कंप्लीट कर लिए. अब आपका एंड ऑफ रिविजन होता है. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्रॉम 2 PM to 5 PM, बिकॉज अल्टीमेटली यही वो टाइम है जो आपके लिए आपका समय, आपका एफर्ट्स, आपका जितना भी मेहनत है ये 3 घंटा ही डिटरमाइन करेगा. तो प्लीज़ दिमाग को रेस्ट दीजिएगा और बस इस रिविजन स्ट्रैटेजी को आराम से फॉलो करो. गारंटीड सक्सेस है, गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा. आपका जो टेंशन है वो दूर हो गया है. इनकम टैक्स कैसे रिवाइज करेंगे, IDT कैसे रिवाइज करेंगे, मैंने आपको इसका आंसर पुख्ता तरीका दे दिया है. बस एक आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो ताकि हम और बेहतरीन तरीके से आपके लिए वीडियो बना सके. एंड थैंक यू वेरी 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 मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपने अपना कीमती समय निकाला. ऑल द बेस्ट गाइज फॉर दिस वॉर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू टेल अबाउट योर रिजल्ट आफ्टर इट इज अनाउंस्ड. बट उतने देर के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.